महंगाई के मार ने लोगों का किया जीना मुहाल। पेट्रोल 104.98 रुपए तो 97 रुपए हो गए डीजल के भाव। में सरकारी तेल कंपनियों ने आज लगातार चौथे दिन पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है। पेट्रोल डीजल के मूल्य में लगातार जहां बढ़ोतरी हो रही है, वहीं वृद्धि से लोग परेशान हैं। शनिवार को जनपद में पेट्रोल डीजल की कीमतों के बढ़ने से डीजल के दाम 97.15 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया और पेट्रोल के दाम 104.98 रुपए हो गए हैं। अक्टूबर में 18वीं बार बड़े दाम से आम जनता त्राहिमाम कर रही है। अक्टूबर में अब तक दिन में पेट्रोल औसतन 24 पैसा और डीजल 27 पैसा महंगा हुआ है। बढ़ती महंगाई से करा रही जनता का कहना है कि अब सरकार बदलना जरूरी हो गया है। वहीं जनपद निवासी का कहना है कि सरकार तमाम तरह के टैक्स लेकर भी महंगाई करने में असफल है। आप देख रहे हैं आजमगढ़ ब्यूरो की एक रिपोर्ट। आजमगढ़ में पेट्रोल 104 रुपए लीटर हो गया है, कितना असर पड़ेगा जिससे आम लोगों को? बहुत ज़्यादा, जनता एकदम परेशान। आज लगातार चौथे दिन भी 35 पैसा बढ़ा है, क्या कहेंगे आप? तो लगाम नहीं लग रहा है। हम काफ़ी परेशान हैं इस सरकार से और काफ़ी आहत हैं और मजबूरी है लोगों का चलना, और पेट्रोल और डीजल का दाम घटना बहुत आवश्यक है। यदि ये घटेगा नहीं तो आने वाले चुनाव में काफ़ी परेशानी होगी सरकार के लिए। क्या लगता है ये घटेगा आगे? हमें तो उम्मीद ये लग रही है कि जब चुनाव करीब आएगा तभी पेट्रोल और डीजल का दाम घटेगा, और चुनाव करीब 6 माह भी बाकी है और करीब 2 माह रह जाएगा उसके तब पेट्रोल का दाम घटेगा, नहीं तो हमें उम्मीद है कि 120-125 तक जाएगा, यही हमारी उम्मीद है। आजमगढ़ में डीजल 97 रुपये लीटर दिख रहा है, कितना महंगाई से असर पड़ेगा आम लोगों के? आम लोगों पे देखिए पूरी तरीके से असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए इस वक्त रोजी रोजगार का कोई जो है मुद्दा नहीं रह गया। लोग जो है भ्रष्टाचार महंगाई की कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। इस सरकार में जिस तरीके से लोग त्रस्त हुए हैं वो किसी सरकार में नहीं हुए। मैं किसी भी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, जिस तरीके से पिछली कांग्रेस की सरकार की बात मैं अगर करता हूँ तो 60 रुपये पेट्रोल था और 50 रुपये डीजल था। उस समय हमारी जो मंत्री जी हैं स्मृति ईरानी जी रोड पे निकल के, जितने और भी भाजपा के जितने भी नेतागण थे सब लोग रोड पे निकल के जिस तरीके से प्रदर्शन किए थे, और मोदी जी ने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम हम आधे कर देंगे, और आज की डेट में आप देख लीजिए किस स्तर पे पेट्रोल और डीजल पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी, उनका कहना है कि यहाँ तो 95% लोग तेल नहीं यूज़ करते, इसमें तो बस राजनीति हो रही है। कैसे नहीं यूज़ करते, ये तो उनके समझने की बात है। अब वो नहीं यूज करते होंगे, लेकिन अब आम जनता ये गाड़ी घोड़ा देख लीजिए आप, तेल जो है कड़वा तेल देखिए कहाँ तक सरसों का तेल पहुँच गया है, 250 रुपया लीटर पहुँच गया है। आप देखिए कि जो है जो तेल सरसों का 60 रुपये में बिकता था आज की डेट में वो 250 रुपया लीटर तेल बिक रहा है। तो अब कुल मिला जुला के जो इस समय की स्थिति है कि हर आदमी, चाहे वो मध्यम वर्ग का हो, पिछड़ा वर्ग का हो, गरीब तबके का हो, हर आदमी इस सरकार से बिल्कुल त्रस्त हो चुका है।